स्क्रीन बने मियां बीवी, ऑफ स्क्रीन थे वो जानी दुश्मन। होना पड़ता था रोमांटिक उन्हें, कैमरा ऑफ होते ही टाटा बाय बाय करते। दीपिका कक्कड़ और धीरज धूपर दोनों ही माहिर एक्टर्स, दोनों की ही तगड़ी फैन फॉलोइंग। सीरियल ससुराल सिमर का में निभा रहे थे मियां बीवी का किरदार, और कहते हैं ऑफ स्क्रीन दोनों में था 36 का आंकड़ा। चलिए जानते हैं आखिर इनके बीच माजरा क्या था, क्यों दोनों में इतना टशन रहा। ससुराल सिमर का में धीरज कुछ वक्त बाद आए जब उन्होंने शोएब को रिप्लेस किया और दीपिका सबकी चहेती बहू बन गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका और धीरज के बीच जरा भी नहीं जम रही थी। दोनों को 18 घंटे साथ काम करना होता, पर आपस में दोनों का तालमेल नहीं था। ऑफ स्क्रीन इनके बीच कुछ ठीक नहीं, पर दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स, अपने आपसी टेंशन को इन्होंने कभी अपने काम पर हावी होने नहीं दिया। शो में दोनों मियां बीवी के किरदार में थे, कई बार उन्हें रोमांटिक सीन्स करना पड़ता था। जब जब ऑन स्क्रीन आते तब तब यूं लगता जैसे दोनों में सच में रोमांस हो रहा हो। पर दीपिका जबरदस्त अदाकारा, वहीं धीरज भी कुछ कम नहीं। इनका क्या झगड़ा, किस बात से अनबन, ये कोई नहीं जानता था, पर मीडिया में अक्सर इनके टशन की खबरें आती रहती थी। साथ में इंटरव्यू देते, इवेंट पर साथ भी नजर आते। उन दिनों हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दीपिका और धीरज ने साथ इंटरव्यू में अपने शो को लेकर क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। एक्चुअली हम लोग चाहते नहीं है कि दर्शक उंगलियां दबाएं रिमोट पे अपने, इसलिए इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ससुराल सिमर का नहीं है, ससुराल ट्विस्ट एंड टर्न्स का। आई थिंक ये हमारे शो का कहीं ना कहीं एक USP रहा है। अगर हम 4 साल की जर्नी देखें तो सबसे ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड सबसे अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट एंड टर्न्स हम लोगों के यहाँ ही आए, एंड एक्सट्रीमली हाई एंड ड्रामाज। एंड आई थिंक अब हमारे दर्शक इस चीज़ से इतना यूज्ड हो चुके हैं कि अगर हम अभी इनसे हटने की भी कोशिश करते हैं तो वो हमारे नंबर से हमको बोल देते हैं चलो वापस। तो उनको भी पता चल गया मतलब खुशी के बाद कुछ आने वाला है। हाँ, मतलब exactly. एक अच्छा हैप्पी मोमेंट आया, उसके बाद कुछ होने exactly. वाला है। तो हमारे हैप्पी मोमेंट में अगर कुछ हो ना तो आपको भी हजम नहीं होता, मुझे पता है। दीपिका ने ससुराल सिमर का की सक्सेस पार्टी थ्रो की थी जहाँ पर पूरी कास्ट मौजूद थी, पर उस पार्टी से भी धीरज गायब थे। ना दीपिका ने अपनी शादी में धीरज को बुलाया और ना ही धीरज ने अपनी शादी में दीपिका को। शो को अलविदा कहने के बाद दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ते गए। दोनों के बीच क्या बॉन्ड था ये तो हम नहीं जानते, पर दोनों में से किसी ने भी कभी एक दूसरे के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहा। दोस्त ना होते हुए भी दोनों के मन में शायद एक दूसरे के लिए इज्जत बहुत थी और है, इसीलिए इनके फैंस चाहते हैं कि दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। क्या लगता है आपको, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताज़तरीन खबरों के लिए देखते रहें टेली मसाला।